जागो मेरे बिहार के एसटीटी एंड सीटेट अभ्यर्थियों, जागो और एक साथ आंदोलन कीजिए, क्रम वाइज बहाली करवाइए, नहीं तो सरकार ही हम लोग को बरगला कर रख देगी। हम बिहार के अभ्यर्थी लगातार पटना के अंदर में धक्के खा रहे हैं, मार खा रहे हैं, कभी सचिवालय घेराव करते हैं, कभी हाईकोर्ट के पास आंदोलन करते हैं, कभी इको पार्क के पास हम लोग आंदोलन करते हैं, और आप पुलिसिया तंत्र के बदौलत आप हम लोगों पर लाठीचार्ज करते हैं। तो हम चाहते हैं कि जब हर एक स्टेट में डोमिसाइल लागू है, चाहे वो यूपी में डोमिसाइल लागू है, झारखंड में डोमिसाइल लागू है, कलकत्ता में डोमिसाइल लागू है, क्यों नहीं आप बिहार में बिहार के अभ्यर्थियों के साथ छठा चरण डोमिसाइल लागू करें, सेंट्रलाइज बहाली करें और जितनी जल्दी हो सातवा चरण का नोटिफिकेशन को जारी करें। यदि हम अभ्यर्थी में से कोई आत्महत्या करेगा तो इसका जिम्मेवार सिर्फ सिर्फ सरकार होगा। और बेरोजगारी जिस तरह बढ़ा हुआ है, हम लोग एजुकेशन होने के बावजूद आज रोड पे बौख रहे हैं और सरकार से सरकार के द्वारा लाठी खा रहे हैं। नमस्कार, मैं अभिषेक, आप देख रहे हैं NBC 24 न्यूज़। एसटीटी क्वालिफाइड अभ्यर्थियों का आज धरना प्रदर्शन जारी है। देखिए गर्दनीबाग धरना स्थल पे और तमाम जो एसटीटी क्वालिफाइड अभ्यर्थी वो धरना पे बैठ गए। देखिए बहाली को लेकर ये लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन देखा जाए तो इनकी बहाली जो है वो नहीं हो रही है। लगातार आश्वासन बिहार सरकार की तरफ से मिलता है लेकिन बहाली जो है वो नहीं होती है। तमाम अभ्यर्थी हैं, आइए अभ्यर्थियों से बात करेंगे, जाने क्या कुछ मांगे। पहले कुंदन जी से बात करेंगे, क्या कहिएगा कुंदन जी? बिल्कुल, आज 9 मई को हम लोग का महाआंदोलन रखे थे और जिसमें सारे अभ्यर्थियों को आह्वान किए थे पूरे जाजा पूरा भ्रमण करके बिहार। और हम लोग की मांग है कि जल्द से जल्द हम लोग का बहाली हो, चाहे उच्च प्राथमिक हो या प्राथमिक हो या हायर सेकेंडरी हो, उससे कोई मायने नहीं है। हम लोग तो हैं ही शिक्षक ना, सब तो TET पास हैं। हम लोग को मांग एकदम जल्द से जल्द अति शीघ्र नोटिफिकेशन निकाला जाए। बैनर तले सर दिखा सकते हैं, ले लीजिएगा बैनर को। देखिए तीन मांगों को लेकर के हम आज आंदोलन कर रहे हैं। मांग हमारी है कि उच्च माध्यमिक उच्च प्राथमिक और प्राथमिक क्रम में बहाली हो, चाहे स्टेट हो या सीटेट हो, दोनों की बहाली क्रम में हो। अगर हायर सेकेंडरी के बार बार कह रहे हैं कि 75% वाला का अगर हो जाएगा तो वो प्राथमिक क्यों ज्वाइन करेगा भाई? सरकार बरगलाना चाह रही है हम लोगों को कि प्राइमरी वाला को पहले ज्वाइन करा देंगे तो प्राइमरी वाला को फिर सीट सारा मेरा खाली रह जाएगा, तो ऐसा होने नहीं देंगे। पिछला बार छठा पेज में सरकार क्या की, सरकार ने 94,000 का ढिंढोरा पीट कर 1,00,000 अभ्यर्थियों का ढिंढोरा पीट कर बहाली करवाई, कितना? 42,000। पता चला कि 42,000 करते करते इसका चरण छठा चरण तक पहुंच गया। क्या 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 इसे छठा चरण में फर्स्ट राउंड काउंसलिंग, सेकंड राउंड काउंसलिंग, कितना राउंड काउंसलिंग कराने के बावजूद भी नहीं हुआ। तो इस बार नहीं होने देंगे हम लोग, इस बार क्रम वाइज सीट भरे सरकार। पहले हायर लेवल के सीट भरे +2, इसके बाद हाई स्कूल, इसके बाद मिडिल, तब प्राइमरी, साथ साथ नोटिफिकेशन दे। और सेकंड मांग रिजल्ट के बराबर रिक्ति हम लोग जो मांग कर रहे हैं। और थर्ड मांग जो छठा चरण का सरकार जो हवाला दे रही है, वो छठा चरण का हवाला नहीं दे, चाहे तो प्राइमरी में हो या STT में, तो झूठ मूठ का हवाला दे रही है सरकार। 77 स्टूडेंट का जो केस था STT 19 जो 17 और 19 सेशन का जो केस था, जो BED किए हुए हैं उसमें ऑलरेडी 77 स्टूडेंट का जो मामला है, तो 77 में 17 फार्म भी नहीं अभी तक आए हैं, चाहे गोपालगंज जिला को देख लीजिए छठा चरण के नियोजन इकाई में। तो जब फार्म आ ही नहीं रहे हैं तो ऐसा क्यों बरगलाने के काम कर रहे हैं? अभी छठा चरण का जो मामला है तो तीन महीना का टाइम सरकार जो ली है जुलाई तक सितंबर तक, तो तीन नियोजन इकाई फिर कहेगा कि बच गया मेरा, फिर तीन महीना टाइम लेंगे, फिर कहेगा कि दो नियोजन इकाई बच गया तो फिर दो महीना का टाइम लेंगे, इसी प्रकार 24 और 25 ला देगा। इसलिए जागो मेरे बिहार के STT एंड सीटेट अभ्यर्थियों, जागो और एक साथ आंदोलन कीजिए, क्रम वाइज बहाली करवाइए, नहीं तो सरकार ही हम लोग को बरगला कर रख देगी। और BPSC की स्थिति देख रहे हैं, BPSC की हो या सचिवालय सहायक की हो या बात करते हैं STT को हो या CTET के, सब जगह घपलाबाजी चलती है। सरकार घपलाबाजी का काम करती है, पैसे की इंतजाम करे या पढ़ाई करे, इसलिए सब एकजुट होकर के आंदोलन कीजिए और महा आंदोलन सरकार को झुकाना होगा और अपनी मांग हम लोग जो रखे हैं उस मांग को हम लोग पूरी करनी होगी, नहीं तो इतना बड़ा आंदोलन होगा सरकार आप रोक नहीं पाइएगा। धन्यवाद। बंटी जी क्या कहिएगा, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं,
देखिए धरना प्रदर्शन, सबसे पहले अभिषेक भाई NBC 24 को और आपकी पूरी टीम को हमारे तरफ से एस्टेट 19 के अभ्यर्थियों के तरफ से धन्यवाद कि आप गर्दनी बाग धरना स्थल पर आए और हमारी आवाज़ को आप हमारे एस्टेट 19 के साथियों के साथ पुलिस प्लस पूरे बिहार के अभ्यर्थियों के साथ ये आवाज़ आप पहुंचाने का काम करते रहे हैं और आज भी आपका काम करने का काम कर रहे हैं। तो हम बिहार के 3800 जिला के अभ्यर्थी जो अभी तक घर में बैठे हुए हैं इस उम्मीद के साथ कि सरकार हमारी बहाली की प्रक्रिया को जारी करेगी, आप उस उम्मीद में ना रहें क्योंकि ये सरकार 24-25 तक लेके जाने के फिराक में है। आप इस बात को समझिए क्योंकि आपको पता है अभी जो 77 लोगों का जो नोटिफिकेशन जारी किया हाई स्कूल वाले का, वो सिर्फ और सिर्फ डिले करने की उसकी साजिश है। ये पहला नंबर। दूसरा नंबर, आपको पता है सर्टिफिकेट लेने में कितनी परेशानियां हुई, कितने हम लोगों ने दंश झेला। आपको पता है कि हम वही बंटी कुमार हैं, लगातार आपकी आवाज़ को, अपनी आवाज़ को, अपनी मांग को पटना के अंदर में हम अपनी पूरी टीम के साथ, हम अपने कुंदन भाई के साथ लगातार हम पटना के अंदर में आवाज़ बुलंद किए हैं। यही सरकार थी 24 फरवरी के साथ हम लोग के ऊपर में लाठी चार्ज हुआ और आपको पता है कि मैं हॉस्पिटलाइज हुआ। किसके लिए हुआ? आप लोगों के लिए हुआ, अपने लिए हुआ, एक जायज मांग के लिए आया। इसलिए आप लोग आइए और उस दिन देखिए सरकार के ऊपर कैसा प्रेशर बना। सरकार ने आनंद फानन में उन्होंने लेटर जारी किया और सर्टिफिकेट जारी किया और हमारा 7वां चरण का नोटिफिकेशन 6ठा चरण के लेके वो डिले करके रखना चाह रही है। और हम चाहते हैं कि बिहार के जितने सारे अभ्यर्थी अभी तक चुप बैठे हैं घर में, खास करके महिला अभ्यर्थियों से हमारा नम्र निवेदन है कि घर से निकलिए। पटना में जब जब हमारी टीम के तरफ से रिकॉल होता है प्रमंडल वाइज, अभी आपको पता है कि हम लोग ने पूरे बिहार के 9 प्रमंडल में घूम घूम कर अपनी मीटिंग को ऑर्गेनाइज किया, संगठन को मजबूत किया, अध्यक्ष उपाध्यक्ष मीडिया प्रभारी सबका हम लोगों ने क्रमबद्ध एक तरह से सिनेरियो को गठित किया। इसलिए के गठित किया कि 7वां चरण का नोटिफिकेशन जारी करे और खास करके मैं शिक्षा विभाग के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी जी से कहना चाहता हूं, अगर आप आश्वासन देने का काम करेंगे तो मैं आपको बता दूं इस NBC 24 के माध्यम से मैं वही बंटी कुमार हूं, इस आवाज़ को हम कम नहीं होने देंगे जब तक कि आप प्रक्रिया को खोल के क्लियर ना करें और प्रक्रिया को सबसे पहले नोटिफिकेशन जारी करें और नोटिफिकेशन के बाद हम लोग का जो प्रक्रिया होगा नियुक्ति की प्रक्रिया, उस नियुक्ति की प्रक्रिया को भी आपको जारी करना होगा क्योंकि बिहार के अंदर में सदन के पटल पे आपने बोला 94,000 सीट खाली पड़ी हुई है, तो आप क्यों नहीं भरने का काम कर रहे हैं? क्यों आप हवाला देते हैं कि इसको अभी पहले 6ठा चरण क्लियर करेंगे? 6ठा चरण आप 2 साल नहीं 3 साल से आप इस 6ठा चरण का हवाला देके, कोर्ट का हवाला देके आप उलझाए हुए हैं। बिहार के अभ्यर्थियों के साथ साथ बिहार के उन विद्यार्थियों के साथ भी भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं पूरे स्कूल में, जबकि एक ही टीचर है और पूरी स्कूल खाली पड़ी हुई है। तो हम बिहार सरकार से फिर कहना चाहते हैं कि आप जुलाई तक आप बोल रहे हैं कि हम 7वां चरण क्लियर करेंगे एस्टेट 19 का, एस्टेट 19 हो, बीटेट हो, सीटेट हो, जितना भी हो, क्रम वाइज आप देख रहे हैं बैनर पोस्टर में हमने लगाया हुआ है। स्टार्टिंग से आप एक तरह से प्लस टू वाले का, टेंथ वाले का, मिडिल वाले का, प्राइमरी वाले का सबका नोटिफिकेशन आप जारी करें और एक साथ जारी करें क्योंकि इसमें जितने भी सारे अभ्यर्थी हैं उन सब का भला हो पाए। और दूसरी बात, मैं ये भी चाहता हूं कि आप डोमिसाइल लागू करें क्योंकि आपने डोमिसाइल लागू नहीं किया 6ठा चरण में। आज 22,000 अदर स्टेट वाले अभ्यर्थियों का आपने नौकरी दिया और हम बिहार के अभ्यर्थी लगातार पटना के अंदर में धक्के खा रहे हैं, मार खा रहे हैं, कभी सचिवालय घेराव करते हैं, कभी हाईकोर्ट के पास आंदोलन करते हैं, कभी इको पार्क के पास हम लोग आंदोलन करते हैं और आप पुलिसिया तंत्र के बदौलत आप हम लोगों पे ऊपर लाठी चार्ज करते हैं। तो हम चाहते हैं कि जब जब हर एक स्टेट में डोमिसाइल लागू है, चाहे वो यूपी में डोमिसाइल लागू है, झारखंड में डोमिसाइल लागू है, कलकत्ता में डोमिसाइल लागू है, क्यों नहीं आप बिहार में बिहार के अभ्यर्थियों के साथ 6ठा चरण डोमिसाइल लागू करें, सेंट्रलाइज बहाली करें और जितनी जल्दी हो 7वां चरण का नोटिफिकेशन को जारी करें। जी धन्यवाद। आप अपना नाम बताइएगा। जी मेरा नाम नीतीश आजाद हुआ, खगड़िया से आए हुए हैं। लगातार सरकार की तरफ से आश्वासन मिल रहा है लेकिन बहाली नहीं मिल रही है, क्या कहिएगा? ये सरकार जो है पूरी तरह से अपना नाकामी का परिचय दे रहा है और हम लोग देखिए 1 से लेके 10th किए, 10th के बाद इंटर किए, इंटर के बाद ग्रेजुएशन किए, ग्रेजुएशन करने के बाद जो है बीएड किए, बीएड के बाद जो है सरकार ने एक मूल्यांकन तय किया और इस मूल्यांकन को हमने क्वालिफाई किया, इसके बावजूद सरकार आज रोड पे बौखा रही है। और आज के बाद यदि हम अभ्यर्थी में से कोई आत्महत्या करेगा तो इसका जिम्मेवार सिर्फ सरकार होगा। और
बेरोजगारी जिस तरह बढ़ा हुआ है, हम लोग एजुकेशन होने के बावजूद आज रोड पे बौख रहे हैं और सरकार के द्वारा लाठी खा रहे हैं, तो इसका हम विरोध करते हैं कि जल्द से जल्द एसटीईटी का समाधान हो। धन्यवाद। अपना नाम बताइएगा। जी, मेरा नाम डब्लू हुआ, मैं बांका जिला से आया हूँ। हाँ, हम लोग की सरकार से यही मांग है कि नोटिफिकेशन जल्द से जल्द निकाले, का है कि अब जो है सब हम लोगों का टूटते जा रहा है पिछले 3 सालों से। और इस चैनल के माध्यम से है, मैं अपने दोस्तों को ये कहना चाहूँगा कि अगर सभी लोग इसी तरह सोचते रहेंगे कि हम अकेले नहीं जाऊँगा तो क्या होगा, मुझे एक जाने नहीं भी जाऊँगा तो क्या होगा, लेकिन इस तरह अगर सब सोचने लगेंगे तो फिर आंदोलन का क्या होगा। इसलिए मेरा सभी अभ्यर्थियों दोस्तों से कहना है कि आप लोग जल्द मतलब आंदोलन में निश्चित रूप से भाग लें और फिर आगे बोलेंगे। जय हिंद। अपना नाम बताइए। मैं रामजीवन, वैशाली डिस्ट्रिक्ट से हूँ। देखिए, हम लोग धरना पर बैठे नहीं हैं, ज़बरदस्ती बैठवाया गया है। सरकार हम लोगों को ससमय सब कुछ दे देती तो हम लोग धरना पर क्यों बैठते। शौक से तो नहीं यहाँ पटना में आए हैं, ये 60 किलोमीटर 70 किलोमीटर चल के यहाँ हम लोगों को मजबूर किया गया। सरकार इतनी मजबूर कर दी है कि हम लोग रोड पर आज सड़क पर है। हम लोगों को विद्यालय में होना चाहिए था। सरकार नोटिफिकेशन निकाली, एग्जाम ली, हम लोग क्वालिफाई किए यानी उसके मापदंड पे खड़े उतरे, फिर भी हम लोगों को नियुक्ति नहीं की जा रही है। क्यों? इसके पीछे सरकार की गलत मंशा है। सरकार नहीं चाहती है कि हम लोगों की बहाली करे, और हम लोगों की जो बहाली की जो प्रक्रिया है उसको लंबा खींच रही है, वो 6ठा चरण का हवाला दे रही है। यही सरकार युवा विरोधी है। बिल्कुल, सरकार युवा विरोधी है। बिहार में बेरोजगारी की भरमार है, लेकिन नीतीश कुमार अपने में मस्त है। बिहार में इतनी बेरोजगारी है, स्टेट 2019 जब 12 मार्च को रिजल्ट जब जारी किया गया था, उस समय बोला गया था कि जो भी जितना भी सीट है उतना ही सीट पर रिजल्ट दिया गया, लेकिन पिछले साल जब लगभग रिजल्ट बाद में जो दिया 3 विषय का, उसमें बैकडोर से एंट्री करा कर हम लोग को रोड पर ला दिया है। हम लोग दर दर भटक रहे हैं, आंदोलन चरण बाई कर रहे हैं, लेकिन तब भी पर हम लोग बेरोजगार ही घूम रहे हैं। सरकार बेरोजगार लाकर हम लोग को बेरोजगारी का दंश झेलवा रहे हैं। नीतीश कुमार बेरोजगारी का दंश झेलवा रहे हैं, और वही ने उसी ने कहा था 2020 में कि उसके गठबंधन में 19 लाख रोजगार देंगे, लेकिन अभी तक हम लोग को रोजगार नहीं मिल रहा। और भी कुछ अभ्यर्थी हैं, उनसे ही बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रशांत कुमार, मैं भागलपुर से आया हूँ। भागलपुर से आए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या? मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरकार अगर 240 सीट पर अगर विधानसभा की चुनाव होती है तो महज 1 महीना में वो कंप्लीट कर देती है, मगर ये 77 लोगों के लिए 3 महीना कहाँ की है। अभी जहाँ तक कि 10 फॉर्म गिरा हुआ है, तो ये जो इतना डिले हो रहा है, मैं सरकार से यह पूछना चाहता हूँ, हम लोगों की उम्र बढ़ रही है या घट रही है, हम बच्चा हो रहे हैं या बूढ़ा हो रहे हैं। तो मैं ये कल का भी आप देखिए BPSC का जो पेपर लीक हुआ है, तो ये जो लाचारी है, ये बेदहाली है, बिहार की ये किस पर जिम्मेवारी है? ये जो दो रात से जग के एग्ज़ाम देने के लिए गया है, इतना पैसा खर्च करके गया और पेपर लीक हो जाते हैं बड़े बड़े अधिकारियों से, ये किनकी जिम्मेदारी है? और आज जो हम लोगों को टुकड़ों में बांट दिया गया है, सभी जो है कि क्रम बाय क्रम में बांट जाए ताकि शक्ति छीन है। मैं उन छात्रों से भी कहना चाहता हूँ कि शक्ति को एक कीजिए, एकल बनिए और एक बनकर इस सरकार पर, निकम्मी सरकार पर हवा बोलिए। नहीं हवा बोलिएगा तो ना तो आपकी बहाली खुलेगी ना हम लोगों की होगी। बस इसी तरह क्रम बाय क्रम, आज हम 9 तारीख को बैठे हैं तो 12 तारीख को आप बैठिएगा, तो यही सब चलता रहेगा। बस मैं और सभी, और मैं उन महिलाओं को भी, महिला अभ्यर्थी को तो विशेष रूप का बोलना चाहता हूँ कि जब नौकरी की बात होती है, तो वो भीड़ में मर के लग जाती हैं, मगर आज देख लीजिए महिलाओं की संख्या कहीं कुछ नहीं है। जब अधिकार की बात आती है तो वो आगे आ जाती है, मगर जब शक्ति की बात होती है तो पीछे हो जाती है। तो उन लोगों को भी मैं कहना चाहता हूँ कि आप आगे बढ़िए और हम लोगों का साथ दीजिए। थैंक यू सो मच। बिल्कुल, देख सकते हैं STET क्वालिफाइड के तमाम जो अभ्यर्थी हैं वो गर्दनीबाग धरना स्थल पर बैठ गए हैं। लगातार कह रहे हैं कि 7वें चरण की जो नोटिफिकेशन है वो जारी नहीं हो रही है। सरकार लगातार आश्वासन इन अभ्यर्थियों को दे रही है, लेकिन बहाली जो है वो
नहीं हो पा रही है। देखिए लगातार सरकार से ये अभ्यर्थी गुहार लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि तमाम अभ्यर्थियों को एक साथ आना चाहिए और सरकार से मांग करनी चाहिए और सरकार को जल्द से जल्द सातवें चरण का नोटिफिकेशन जो है वो जारी करना चाहिए। देखना ये होगा कि ST19 के तमाम अभ्यर्थियों को कब तक बहाल किया जाता है, कब तक नौकरी मिलती है। और भी तमाम खबरों के लिए बने रहें NBC 24 न्यूज़ के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।